हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू अगेन माय चैनल क्रिएटिव आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो गाइस, आज हम बनाएंगे एक ऐसा DIY जिसमें हम यूज़ करेंगे सिर्फ और सिर्फ कार्डबोर्ड। हाँ, आज हम कार्डबोर्ड का DIY बनाएंगे और ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, ये बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लुक में दे रही हूँ। इसे होम डेकोर बना रहे हैं आज हम, तो बने रहे इस वीडियो के साथ। यहाँ हम लेंगे कार्डबोर्ड। तो कार्डबोर्ड को मैंने स्केल और जो कटर होता है इस टाइप का, इस कटर की हेल्प से ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट करके स्ट्रिप कट करनी है हमें। तो गाइस, इसे हम सीजर का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम इसी कटर का यूज़ करेंगे, जिससे कि स्ट्रिप बिल्कुल एक ही मतलब साइज़ की आती है और बहुत ही ईजीली कट हो जाती है। कैंची से क्या होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो हम इस कटर से आगे पीछे करके इसको ईजीली निकालेंगे। इस टाइप से हमें स्ट्रिप कट करनी है। तो यहाँ पर हम कार्डबोर्ड की स्ट्रिप मैंने कट कर ली, तो इसको अब हम कट कर लेंगे 8 इंच के लिए। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिप 8 इंच के लिए इस टाइप से मैंने एक उसके लिए टोटल 8 स्ट्रिप्स रेडी की है। तो यहाँ पर गाइस, मैंने एक स्क्वायर लिया है जो भी मेरा 8x8 इंच का है स्ट्रिप के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम इसके कॉर्नर्स कट कर लेंगे स्ट्रिप्स के, और ये सारे कॉर्नर्स हमें एक ही साइज़ के कट कर लेंगे, जिससे कि इजीली लग जाते हैं। तो इस टाइप से हम फेविकॉल की हेल्प से इसको पेस्ट कर देंगे अपने कार्डबोर्ड के स्क्वायर में। और गाइस, ये बहुत ही मुझे सेटिस्फाइंग लगा, ये बनाने में मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही अच्छा बन रहा था ये फ्रेम। तो यहाँ पर हम एक फ्रेम रेडी कर रहे हैं। तो हमारा फ्रेम ऑलमोस्ट रेडी है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर जो ये बिल्कुल फ्रेम लगे, तो ये कार्डबोर्ड के अंदर से ये निकलती है ये लेयर। अगर आपके पास कोई भी कार्डबोर्ड है, उस पर हल्का सा पानी आप डाल के अगर निकालेंगे तो इस टाइप की एक शीट निकल जाती है, जो देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी का यूज़ किया जाए। तो मैंने इसको बैक साइड से कट कर रही थी, क्योंकि ये फ्रंट से कट कर रही थी तो मुझे समझ नहीं आता, तो मैंने सोचा बैक पर रख के इसको ऐसे कट कर लेते। मैंने ब्लेड से यहाँ पर निशान बना लिए थे, उसके बाद मैंने सीजर की हेल्प से इसको स्ट्रिप्स को निकाल ली थी। तो गाइस, ये हमारी कट हो चुकी है। इसके अकॉर्डिंग हम इस पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी हम कॉर्नर्स सेम उसी टाइप से कट कर लेंगे और सारे कॉर्नर्स को अपने फ्रेम पर लगा देंगे, तो जिससे कि ये बिल्कुल एक मार्केट जैसा फ्रेम का लुक देता है ये। मैंने इसको फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस टाइप से हम सारी लगा देंगे इसमें कार्डबोर्ड, तो बिल्कुल बढ़िया लगेगा। तो अंदर की जो एजेस है ये बहुत थोड़े रफ लग रहे थे, तो मैंने एक स्ट्रिप की जो भी ये मेरी कार्डबोर्ड की जो अंदर वाली है ना, यही मैंने निकाल के यहाँ पे फेविकॉल से पेस्ट कर दी। तो इसी टाइप से सारे लगा देंगे हम। तो अंदर का तो मेरा ये हो गया कवर। अब इसके जो बाहर का जो ये है साइज, तो इसको भी हमें कवर करनी है ताकि ये भी अच्छी लगे। बिल्कुल रफ लग रही है अभी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी और इसमें फेविकोल ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी, जिससे कि एक लिक्विड रेडी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी टिश्यू पेपर का, तो टिश्यू पेपर को पहले कट कर लेंगे। तो ये हमें कवर करना है, मेन हमारा ये है। तो इसको यहाँ पर ऐसे रख के ब्रश की हेल्प से हम इसे कवर कर लेंगे इस टाइप से। तो अब ये ऑलमोस्ट कवर हो चुका है टिश्यू पेपर से, इसके एक कॉर्नर्स बिल्कुल अब अच्छे लगेंगे। अब इसको हम ड्राई होने के लिए रख देंगे जब तक ये ड्राई होएगा। तो देखो फ्रेंड्स, अब ये ड्राई हो चुका है, तो हम इस पर करेंगे हम कलर। तो यहाँ पर मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ करूँगी, क्योंकि ये थोड़ी शाइनिंग देते हैं और ये फ्रेम में एक अच्छा लुक आएगा इससे।
तो गाइस हमारा ये जो फ्रेम है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो हम इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे। और ड्राई होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। तो हमारा फ्रेम रेडी हो चुका है और ड्राई हो चुका है। तो गाइस मैंने ऐसे ही 4 फ्रेम रेडी किए हैं जो कि हमारी वॉल को एक एस्थेटिक लुक देगा और बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो ये गाइस मैंने 4 रेडी कर लिए फ्रेम। तो इसके बाद हम बनाएंगे पेंटिंग जिसकी हम बीच में लगाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें लेना है कार्डबोर्ड। तो यहाँ पर हम लेंगे कार्डबोर्ड। तो मैंने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फ्रेम मैंने यहाँ पर 3 इंचेस का एक स्क्वायर लिया है। मैं कट कर रही हूँ 3 इंच का, तो 3x3 का होगा। इसके साथ हम लेंगे एक ये बुकरम, ये जहाँ पर सूट सिलाई का सामान मिलता है वहाँ पर ये मिल जाती है बुकरम। इससे हम एक कैनवास रेडी करेंगे। तो इसे हम ऐसे ले लेंगे। और गाइस ये बहुत ही इजीली मिल जाती है और ये काफ़ी लो कॉस्ट में मिल जाती है। तो इसे हम एक कैनवास रेडी करेंगे फेविकॉल लगाकर। इसके कॉर्नर में फेविकॉल लगाएंगे और ये एक बढ़िया सा हमारा कैनवास रेडी होगा। तो इसी टाइप से मैंने 3 और रेडी कर लिया। तो हमारे पास 4 कैनवास हो गए। तो अब हम इस पर करेंगे पेंटिंग। तो गाइस हम ब्राउन कलर का यूज़ कर रहे हैं इसमें। तो मैंने यहाँ पे ब्राउन एक्रेलिक कलर को पूरे कैनवास पे कर दिया और उसके साइड्स भी मैं कवर कर लूँगी जिससे कि यह बहुत ही अच्छा लगेगा, वाइट वाइट नहीं दिखेगा। तो इसके साइड्स भी कवर कर लेंगे और इस पर हम करेंगे एक पेंटिंग। तो हमारे सारे 4 रेडी हो चुके कैनवास और मैंने इस पर पेंटिंग भी कर दिया ताकि वो ड्राई हो जाए। और ये वाला मेरा ड्राई हो गया था तो मैंने इस पर पेंटिंग स्टार्ट कर दी। तो गाइस यहाँ पर हम वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ करेंगे क्योंकि डार्क कलर पर वाइट कलर बहुत ही उभर के आता है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं छोटी छोटी पेंटिंग कर रही हूँ। तो आज मैंने ट्राई किया है वार्ली आर्ट, तो मैं वार्ली आर्ट बना रही हूँ। अगर आपको थोड़ी सी भी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसी टाइप से हम अपने 4 कैनवास को रेडी कर लेंगे। Thank you.
तो गाइस ये सारे मेरे चारों कैनवास रेडी हो चुके हैं, तो हम इसे करते हैं फ्रेम में पेस्ट। तो यहाँ पर हम लेंगे ये वाली एक ढक्कन, कलर्स का ही ढक्कन है, मेरे एक्रेलिक कलर का जो यूज़ हो चुका है तो मैंने इसी को ही यूज़ कर लिया है। तो इसके बाद हम फेविकोल लगा देंगे इसके साइड्स में नीचे। यहाँ पर मैंने फेविकोल थोड़ा ज़्यादा लगाया है ताकि वो अच्छे से मजबूत हो जाए। उसके बाद हम इसके सेंटर में से पेस्ट कर देंगे इसको। एक मिनट के बाद हम इस पर करेंगे कलरिंग। तो मैं यहाँ पर वही ब्राउन कलर का ही यूज़ कर रही हूँ। तो इसकी जो साइड्स है ना इस ढक्कन की, हम सिर्फ वहीं पर लगाएंगे इस कलर्स को। जिस टाइप से मैं आपको दिखा रही हूँ लगाकर, आप चाहो तो फेविकोल लगाने से पहले इसको लगा लो, या तो फेविकोल लगाने के बाद इसको इस पर चिपकाने के बाद भी आप जैसे मैं कर रही हूँ वैसे कर सकते हो, या आप पहले भी कर सकते हो। इसके बाद हम इस पर ऐसे कैनवास पेस्ट कर देंगे फेविकोल लगाकर। इसी टाइप से हम अपने सारे फ्रेम रेडी कर लेंगे। अगर गाइस आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।